प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लंबित कृषि सुधारों को मंजूरी मिलने से ग्रामीण भारत पर होगा सकारात्मक प्रभाव। कहा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव, किसानों की भी बढ़ेगी आमदनी। कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को दी मंजूरी, किसानों के लिए और व्यवस्था होगी सरल, कृषि उपज में अवरोध मुक्त अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अध्यादेश भी मंजूर। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या को गंभीरता से ले रही है सरकार, उचित जांच के बाद दोषियों को सख्त सजा देने का दिया भरोसा। कहा, पटाखे खिलाकर मारना भारत की संस्कृति नहीं। महाराष्ट्र में आया चक्रवाती तूफान निसर्ग पड़ा कमजोर, मुंबई में नहीं है किसी बड़े नुकसान की खबर, लेकिन कुछ स्थानों पर पेड़ गिरे और जल जमाव की स्थिति। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 104,000, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 106,737। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से 64,00,000 से अधिक लोग संक्रमित और 385,000 से अधिक की मौत। नमस्कार, और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। ऐसा पहली बार है जब भारत किसी देश के साथ डिजिटल तकनीक के जरिए द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन इस साल जनवरी में दिल्ली आने वाले थे, लेकिन वहां जंगल में लगी आग के कारण ये यात्रा टालनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन के बीच पिछले 1.5 साल में 4 मौकों पर मुलाकात हो चुकी है। 2009 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नया आयाम देते हुए रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया था। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान नवंबर 2014 में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए थे। पीएम मोदी की उस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान विदेश, रक्षा और सुरक्षा नीति और आपसी समन्वय पर एक कार्य योजना भी तैयार की गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्वेत पत्र विदेश नीति 2017 में भारत को हिंद महासागरीय देशों के बीच सामुद्रिक शक्ति और ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट रैंक पार्टनर के रूप में मान्यता दी थी। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ पहली बार वर्चुअल समिट होने जा रही है, कितनी अहम है ये समिट और कौन कौन से अहम मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए, ये आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि ये पहली वर्चुअल समिट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, जहां प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आज बात करेंगे। जो गैमिट है वो काफी वाइड है, डिफेंस से लेके इंडो पैसिफिक से लेके ट्रेड, मिनरल्स, मिलिट्री अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बैकिंग ऑस्ट्रेलिया ने की है, और इंडिया की बैकिंग आपको जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए करता रहा है। तो इन तमाम सभी मुद्दों पर बातचीत होगी, पर बेसिकली फोकस एसेंशियली डिफेंस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाया जाए, और जो एक फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक टॉप ऑफ द एजेंडा होगा। ट्रेड और जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो भी एजेंडे के अहम बिंदु होंगे। कोविड 19 के खिलाफ जंग संयुक्त मोर्चा कैसे खोला जाए, और इंडिविजुअल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कैसे इस पर इसको टैकल कर रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस महामारी के अगेंस्ट जो जंग छिड़ी हुई है उसमें अपने इनिशिएटिव्स एक दूसरे के साथ साझे करेंगे। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन मुद्दों के अराउंड बातचीत होगी, और उसके बाद तेजेंद्र मैं आपको बताऊं कि कुछ एमओयूज साइन होने की संभावना है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिलिट्री अफेयर से लेके जिसमें मालाबार एक्सरसाइजेस में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट कर सकता है,
मिलिट्री लॉजिस्टिक्स जो अरेंजमेंट है LSA उस पर बातचीत हो सकती है और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के तमाम क्षेत्रों पे कुछ MOUs साइन होने की संभावना है। जी अमृतपाल, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की आपने बात की और जिस तरह से कोरोना के चलते विश्व भर में जो व्यापार जगत है उसको काफी नुकसान झेलना पड़ा है, तो सबकी नजरें रहेंगी कि इस दिशा में किस तरह से कदम उठाए जाते हैं, किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है कोविड के लॉकडाउन का, इंटरनेशनल फ्लाइट का ना ऑपरेट करना, इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आना, तो उसको कैसे रिवाइव किया जाए, ये मेन फोकस रहेगा। आप जानते हैं कि जो करंट ट्रेड लेवल्स हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के करीब $21 बिलियन के करीब हैं, तो इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, किन किन क्षेत्रों में दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पेंशन फंड ने करीब $1 बिलियन इंडियन नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, उसके कॉन्ट्रोवर्स और कैसे वर्कआउट किए जाए, और रेयर मिनरल्स, आप जानते हैं कि 49 में से 21 रेयर मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्ट्रेटेजिक डिपॉजिट्स हैं, तो भारत चाहेगा कि उनको एक्सेस और ब्रॉडन की जाए, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, बैटरीज में, लिथियम बैटरीज में उसकी काफी जरूरत होती है और भारत उसको टैप करना चाहेगा, और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक फ्रेंडली कंट्री है, दोनों के काफी दोस्ताना तालुकात रहे हैं पिछली कुछ डेकेड से, और अब तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे और तमाम क्षेत्रों में हो। आप जानते हैं कि 2+2 जो डायलॉग है फॉरेन सेक्रेटरीज और डिफेंस सेक्रेटरीज का चलता है, तो आपकी जो सोच है चाहे इंडो पैसिफिक में, चाहे मिलिट्री अलायंसेस में, चाहे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे, और दुनिया का कैसा ढांचा हो, इकोनॉमिक और वैश्विक ढांचा क्या हो, उस पर आपकी काफी सोच मिलती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर काफी MOUs उसको बूस्ट करने के लिए आज की इस वर्चुअल मुलाकात के बाद साइन हो सकते हैं। जी, और इन दोनों नेताओं के बीच आपस में किस तरह से गर्मजोशी से ये लोग मिल रहे हैं उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले 1.5 साल में 4 बार इनकी मुलाकात हो चुकी है। वहीं कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कि कुछ समोसों के साथ, उन्होंने घर में बने हुए समोसों के साथ एक पिक्चर ट्वीट किया था, और उसके बाद इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जब ये कोविड का संकट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसका आनंद इकट्ठे लेंगे, तो ये दर्शाता है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए दोनों तैयार हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि स्कॉट मॉरिसन साहब ने संडे को ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने घर में जो समोसे बनाए और जिनका नाम उन्होंने रखा संडे स्कोमोसा, स्कॉट और मोदी को का स्को अमो स्कोमोसा उन्होंने उनको कहा, विद मैंगो चटनी मेड फ्रॉम स्क्रैच, तो जिस पर प्रधानमंत्री ने उसको उसका जवाब दिया कि कनेक्टेड बाय द इंडियन ओशन, यूनाइटेड बाय द इंडियन समोसा, लुक्स डिलिशियस प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, वंस वी अचीव अ डिसाइसिव विक्ट्री अगेंस्ट COVID-19 वी विल एंजॉय द समोसा टुगेदर, लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर वीडियो मीट। तो उन्होंने कहा कि चलिए 4 तारीख जो आज जो है उसकी वीडियो मीट को वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री ने उनकी स्कॉट मॉरिसन साहब की उस उन समोसा को कहा कि बहुत ये डिलिशियस लग रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि जब ये कोविड के खिलाफ जंग जीत जाएंगे तो तब हम मिलेंगे तो ये समोसों का लुत्फ ले सकेंगे। तो ये दिखाता है कि कैसे एक तरह का इनफॉर्मेलिटी है रिलेशनशिप में। आप जानते हैं कि जब दो लीडर्स, जब देखिए दो मुल्क जब आपस में कोई भी बायलैटरल अग्रीमेंट्स करते हैं तो उसके पीछे हार्ड नोस्ड डिसीजंस होते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे मिलिट्री हो, पर जब दो सरबरा मिलते हैं और उनके आपस के तालुकात, तो एक तरह की पॉलिटिकल पुश मिलती है। बिल्कुल अमृत, बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यकीनन सबकी नजरें रहेंगी आज इस वर्चुअल समिट पर जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में उठे चक्रवाती तूफान का असर अब मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर और सागर संभाल में बारिश की आशंका। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की
के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते वहां तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि निसर्ग अब कमजोर पड़ गया है और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में इसके पूरी तरह से निष्प्रभावी होने की पूरी संभावना है। इससे पहले कल निसर्ग तूफान महाराष्ट्र के तटीय इलाके अलीबाग के तट से टकराया। अलीबाग के अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में काफी तेज हवा चली और भारी बारिश हुई, जिसका असर मुंबई पर भी पड़ा। हालांकि वहां कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। कई जगहों पर पेड़ गिर गए और अब कई हिस्सों में जल जमाव जैसी स्थिति है। पहले से महाराष्ट्र में तैनात एनडीआरएफ की टीम अब बचाव कार्य में लगी हुई है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी आवागमन बहाल है। और मध्य प्रदेश के बारे में भोपाल से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी जुड़ गए हैं। अजीत, किस तरह से क्या अलर्ट जारी किया गया है और किस तरह से लोगों को बताया जा रहा है कि निसर्ग की वजह से वहां पर भारी बारिश हो सकती है, क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग जब से इसका पूर्वानुमान लगा था कि निसर्ग जो है तूफान वो महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर आने वाला है, तब से ही मौसम विभाग लगातार जो है यहाँ पर अलर्ट जारी करता रहा है। और अगर कल की बात करें तो कल मौसम विभाग ने कहा था कि जो ये तूफान है ये जब मध्य प्रदेश आएगा, जब ये कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती है और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिले हैं, जिसमें कि इंदौर है, उज्जैन संभाग है और भोपाल सहित और दूसरे जो जिले हैं, होशंगाबाद संभाग के जिले हैं, वहां पर बारिश हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि भोपाल में रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है और लगातार जो है बारिश जारी है। हालांकि हवाएं बहुत तेज अभी नहीं चल रही हैं, लेकिन बारिश जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल मानसून जैसा मौसम यहां पर हो गया है और बारिश का दौर जो है भोपाल सहित जो आसपास के जो जिले हैं, बुरहानपुर हो गया या इसके अलावा जो होशंगाबाद हो गया, वहां पर भी जो है वो बारिश जो है लगातार जारी है। और जो इसका जो निसर्ग तूफान का जो असर है वो मध्य प्रदेश के करीब 16 से ज्यादा जो जिले हैं उनमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि तेज हवाएं भी चल सकती है, तो कल रात को तेज हवाएं देखने को मिली और जब यहाँ पर बादल जब आए यहाँ पर तो बहुत तेज हवाएं थी, लेकिन रात भर जो है लगातार रिमझिम रिमझिम बारिश जो है वो इन जिलों में जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि जो इसका असर है निसर्ग का ये कुछ दिनों तक रह सकता है, कल से लेकर आज और आगे भी एक दो दिन तक ये असर रह सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो तूफान जब आया है महाराष्ट्र से होते हुए तो काफी कमजोर पड़ गया है, लेकिन हाँ इसका जो प्रभाव है वो जरूर दिखाई देगा मध्य प्रदेश में। और इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है बारिश का दौर विभिन्न जिलों में जारी है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है इसके लिए कि लोग सतर्क रहे, अलर्ट रहे, प्रशासन अलर्ट रहे और किसी भी तरह की जान माल का नुकसान ना हो, क्योंकि जो जिले हैं जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं वहां पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और वहां उन वो जिले जो है बुरहानपुर है, खंडवा है, उज्जैन है और ये इंदौर है, तो ये जो जिले हैं तो इनमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि भोपाल तक इसका प्रभाव हम देख रहे हैं और भोपाल में भी बारिश जारी है, लेकिन हालांकि अभी ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, मौसम विभाग ने कहा है, लेकिन बारिश के लिए उन्होंने जरूर अलर्ट जारी किया है, जिससे कि लोग सचेत रहे, अलर्ट रहे और किसी भी तरह की कोई ऐसी हानि जो है वो ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में अलर्ट जरूर जारी किया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन सतर्कता बरतना बेहद अहम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोविड-19 से उबरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से अब 1,04,106 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। अब देश में कुल सक्रिय संक्रमण के मामले 1,06,737 हो गए हैं। इसी के साथ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज हो रही है। देश में कोविड-19 की जांच करने के लिए कुल 688 प्रयोगशाला हैं, जिनमें से 480 सरकारी हैं। 952 अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए चिन्हित किए गए हैं। 1,66,332 आइसोलेशन बेड व 21,393 आईसीयू की व्यवस्था है। 72,762 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था भी की गई है। 2,391 कोविड हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। हेल्थ सेंटर्स को N95 मास्क 125.28 लाख और पीपीई किट 101.54 लाख उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना काल में वंदे भारत अभियान के तहत यूक्रेन से देर रात एक उड़ान गुवाहाटी पहुंची। देर रात करीब 2:30 बजे इस विमान के जरिए 69 यात्री गुवाहाटी पहुंचे। यूक्रेन से गुवाहाटी के लिए ये तीसरी उड़ान थी। एयर इंडिया के विशेष विमान से वापस भारत पहुंचे लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत आज खाड़ी देशों से 15 उड़ानें संचालित हो रही हैं।
इन विशेष उड़ानों से 2400 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। जिन देशों से भारत के लिए विमान उड़ान भर रहे हैं उनमें यूएई, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, अबुधाबी और कतर शामिल हैं, जो जयपुर, हैदराबाद, मदुरई, कोची और तिरुवनंतपुरम समेत कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इस मिशन के तहत श्रमिकों, फंसे हुए पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं, मेडिकल इमरजेंसी मामलों समेत बुजुर्ग नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। कोरोना के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे बीती 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। 3 जून 2020 तक देश भर में विभिन्न राज्यों से कुल 4,197 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है। इन ट्रेनों के माध्यम से अब तक 58 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। श्रमिक स्पेशल के अलावा रेलवे द्वारा 12 मई से 15 जोड़ी विशेष राजधानी ट्रेन और 1 जून 2020 से 100 जोड़ी विशेष मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें गुजरात से रवाना हुई हैं। यहां से 1,026 ट्रेन चली हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से 802 ट्रेन, पंजाब से 416, उत्तर प्रदेश से 294 और बिहार से 294 ट्रेन विभिन्न राज्यों के लिए रवाना हुई हैं। अधिकतर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए हुआ है। रेलवे के अनुसार विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश के लिए अब तक 1,682 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है। इसके बाद बिहार के लिए 1,495 ट्रेन, झारखंड के लिए 197, ओडिशा के लिए 187 और पश्चिम बंगाल के लिए 156 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से आज कई राज्यों के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। इस दौरान यात्रियों से अपील की गई है कि वो लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। इसमें मास्क पहनना सबसे जरूरी है ताकि वो कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से दूर रहें। कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा किसानों से जुड़े 3 नए अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी मिलेगी, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इन सुधारों की घोषणा की थी। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। इन फैसलों से न केवल किसानों को बड़ा फायदा होगा बल्कि कृषि क्षेत्र की सूरत आमूलचूल तौर पर बदल जाएगी। सरकार ने किसानों की 50 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का फैसला किया है। ये कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। कृषि के बारे में ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। किसान की 50 साल से जो मांगे थी वो आज पूरी हो रही है। पहला अत्यावश्यक कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तु कानून, उसमें किसान हितैषी सुधार किए गए हैं और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू, ऐसी वस्तुएं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है, ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। कैबिनेट ने कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी है। सरकार के इन फैसलों से आवश्यक वस्तु की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी तमाम वस्तुएं और कृषि उत्पादों को बाहर किया गया है। इससे किसान एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से मुक्त हो जाएगा। किसान को न केवल अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी बल्कि वो उत्पादों का अपने मुताबिक भंडारण कर सकेंगे। अब किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल को बाजार में बेच सकेगा।
किसान कृषि उत्पादों को अब देश के किसी भी बाजार में बेच सकेगा, तो साथ ही उसे सीधे निर्यातकों को बेचने की भी अनुमति मिल गई है। इससे वन नेशन वन मार्केट की सरकार की नीति को भी बढ़ावा मिलेगा। किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। इन फैसलों से कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा, मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहां पर ट्रेड हो सकती है और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा, कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। सरकार ने नियमों में बदलाव करके उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा सुनिश्चित की है। अब अकाल या युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। कैबिनेट ने हर मंत्रालय में प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल बनाने का ऐलान किया है। ये सेल मंत्रालय में आने वाले प्रोजेक्ट्स से जुड़ी तमाम दिक्कतों को दूर करेगा। ये सेल वित्त से लेकर भूमि अधिग्रहण तक में आने वाली पेचीदगियों की राह आसान करेगा। कैबिनेट ने दवाओं के मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम देने का फैसला आज लिया गया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 11 जनवरी को वहां कोलकाता में की थी। सो टुडे वी हैव रीनेम द कोलकाता पोर्ट एज कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सरकार का कहना है कि उसने ग्रामीण भारत और किसानों के लिए पहले ही तमाम अहम फैसले लिए हैं और ये फैसले उसी की अगली कड़ी है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे लोगों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के तौर पर कई कदमों की घोषणा भी की गई है। सरकार के मुताबिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से एक मुश्त 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, लॉकडाउन की अवधि में 18,517 करोड़ रुपए की राशि अब तक वितरित की जा चुकी है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किए गए कुल 6,003.6 करोड़ रुपए के बराबर दावों को लॉकडाउन की अवधि में अदा किया जा चुका है। यानी किसानों को न केवल नए कर्ज दिए जा रहे हैं, बल्कि उनकी सिंचाई, खाद्य, फसल बीमा और सामाजिक सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा के साथ डीडी न्यूज। केरल के मल्लापुरम में गर्भवती हथिनी की निशंस हत्या की वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि केंद्र सरकार ने केरल के मल्लापुरम में हाथी की हत्या के मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि सरकार इस मामले की उचित जांच करके अपराधियों को सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि पटाखा खिलाकर मार देना भारत की संस्कृति नहीं है। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत ही दुखद घटना है केरल के मल्लापुरम में, जहां इस गर्भवती हथिनी की हत्या कर दी गई। क्या कहा है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में? बिल्कुल, बेहद दुखद घटना है और केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो दोषी हैं
उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने एक रिपोर्ट भी मांगी है राज्य सरकार से इस बारे में कि वहां पर क्या हुआ था। हम जानते हैं कि जो गर्भवती हथनी को जिस तरह से पटाखा खिलाने की कोशिश हुई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, उसको लेकर जो वहां के जो उच्च जो वन अधिकारी है उनसे राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। जानते हैं कि देश भर में जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने इस घटना पर चिंता जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि क्या कुछ वहां पर हुआ था, और साफ तौर पर यह कहा है कि इस मामले में एक तरह से दोषियों को के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर यह भी कहा है जो आपने बताया कि ये भारत की संस्कृति नहीं है इस तरह जो घटना हुई केरल में, और ये बहुत ही एक तरह से देखें तो बहुत दुखद है। तो जो पर्यावरण प्रेमी है उनमें बहुत गुस्सा है कि इसमें जो दोषी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकार से कहा है कि पूरी रिपोर्ट भेजी जाए कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था। राज्य सरकार ने वहां के जो वन अधिकारी है उनसे पहले ही रिपोर्ट मांगी है, तो निश्चित तौर पर पूरे देश का ध्यान एक तरह से इस पूरी घटना पर गया है और कोशिश इस बात की है कि जो इस घटना में जो भी दोषी हैं वो बख्शे ना जाए, उन पर कार्रवाई हो और एक तरह से उनको सजा मिले। जी जी, बेहद दुखद ये घटना, और बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वाशिंगटन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किए जाने की घटना पर भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जेस्टर ने दुख जताया है। जेस्टर ने ट्वीट कर कहा, वाशिंगटन डीसी में गांधी प्रतिमा को अपमान को देखकर बेहद खेद हुआ, कृपया हमारी ईमानदार क्षमा याचना स्वीकार करें। जॉर्ज फ्लॉयड की भयानक मौत और भयानक हिंसा एवं बर्बरता से भी दुख पहुंचा है, हम किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह और भेदभाव के खिलाफ खड़े हैं, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Krishna